फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। इसी के साथ अजय जी बात करेंगे सोयाबीन की। तो सोयाबीन में हमने लगभग दो ट्रेडिंग सेशन पहले 6700 का लेवल देखा था मार्च वायदा में। फरवरी वायदा देख रहे हैं 6600 के ऊपर है अभी भी। और ब्राज़ील और अर्जेंटीना में जो प्रोडक्शन है वो भी कम रहने का अनुमान है। यूएसडी की भी रिपोर्ट आ चुकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, यूएस सोयाबीन फ्यूचर जो लगातार तेज होता जा रहा है, कल को हमने $1570 पर देखा था और आज $1600 के पार है। एक ही दिन के अंदर $30 से $35 की तेजी भी देख चुके। ऐसे में अब भारत में सोयाबीन की कीमतें क्या रह सकती हैं? देखिए, इंटरनेशनल में डेफिनेटली एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। आज वाल्डे की रिपोर्ट में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने जो वर्ल्ड का स्टॉक की बात करें वहां पे हमने -2.37 के आसपास का एक ड्रॉप आते हुए देख रहे हैं। प्रोडक्शन के अंदर रिवाइज डाउन हुआ है, ये कहीं ना कहीं काफी कंसर्निंग है। और यूएस के भी स्टॉक की बात करें वहां पे भी हमने ड्रॉप देखा है। तो ये सारे सेक्टर के चलते हमने इंटरनेशनल में 1600 का लेवल तोड़ते हुए देखा है। टेक्निकली हमारा व्यू था 1580 का, और जो वॉल्यूम के साथ 1580 का लेवल तोड़ा है, मुझे लगता है अब प्राइजेस 1670-1690 के जो जोन है वहां तक जाने के लिए तैयार है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर थोड़ा जंप जरूर है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ पे मस्टर्ड की बड़ी क्रॉप है सामने, जिसके चलते एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी तो नहीं बनेगी पर सपोर्ट रहेगा। और पूरे साल भर अगर हम बात करें या जून तक की भी बात करें तो मुझे लगता है एडिबल ऑयल, सोयाबीन, मस्टर्ड इनमें कोई फ्री फॉल जैसा सिचुएशन नहीं रहेगा, ये तेजी रहेंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है सोयाबीन इंटरनेशनल को देखते हुए कि 1670-1690 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं। जी, कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।